आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, अमेज नाउ के खास प्रोग्राम फूड नाउ में मैं मेनका आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर के गुजरता है, और अगर आपको अपने परिवार का दिल जीतना है तो आपको खाना बनाने में महारत हासिल करनी होगी। ऐसी ही एक महारत हासिल किया है श्वेता सिन्हा ने, जो कि अशोक नगर एरिया में रहती हैं, और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। आइए चलते हैं श्वेता सिन्हा जी के घर, उनके किचन में। दर्शकों, हम इस समय हैं श्वेता जी के किचन में, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्वेता जी से। हेलो श्वेता जी। नमस्कार मैम। आज आप हमारे दर्शकों को क्या बनाना बताएंगी? आज मैं आप सब लोगों को सोयाबीन से बने सोया मस का रोल बताऊंगी। उसमें क्या क्या सामग्री लगती है आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देख लीजिए, सोया है, ये छोटे वाले छोटे वाले और ये नमक है जी, दही, लाल मिर्च तीखी वाली, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लेमन जूस। हाँ, लेमन जूस ये 2 स्पून होगा, एक स्पून, ये 1 स्पून देखो। और ये 1/2 स्पून आपका ये कश्मीरी लाल मिर्च है जी, ये थोड़ा सा हल्का सा कलर लाता है तो अच्छा लगता है देखने में जी। और ये आपका गरम मसाला है 1 चम्मच, ये मीठा सोडा है 1 चुटकी, और ये हल्दी पाउडर। और ये आपने इधर प्लेट में कुछ रखा है, ये हमने थोड़ा सा शिमला मिर्च और एक छोटी सी मीडियम साइज की प्याज काट के रखी हुई जी, है जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे श्वेता जी? सबसे पहले हम ये सोया का पूरा मैरिनेट करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। इसको मैंने गर्म पानी में इसको पहले सबसे पहले बॉयल कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने बॉयल करके रखा है जी, ये बॉयल करके रखा हुआ है। आप एक कटोरी बॉयल करेंगे तो ये बिल्कुल लगभग डबल हो जाएगा ये जी। ठीक है, और इसमें ये सारी सामग्री हम डालेंगे जी। सबसे पहले ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, दही डाल दीजिए। दही ये बिल्कुल इसका पानी हमने निकाल दिया है जी, क्योंकि जब इसको आप बनाएंगे ना उस समय काफी पानी मात्रा में छोड़ता, काफी मात्रा में जी, तो इसलिए इसका पानी निकाल देना बेटर रहता है। लेमन जूस जी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च तीखा वाला। बहुत से लोगों को अगर मान लीजिए बहुत तेज पसंद हो तीखा तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च बढ़ाइए, या फिर जब आप इसको भूनने लगेंगे, जब इसको हम भूनते हैं तो उस समय जब हम ये आपका ये प्याज और ये शिमला मिर्च डालेंगे तो उस समय आप एक हरी मिर्च भी काट के साथ में डाल देंगे जी, तो जी, वो अपने हिसाब से रहता, आप उसको निकाल भी सकते हैं जिसको नहीं लगेगा। नमक इसमें डालेंगे, नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा जी, क्योंकि बाद में हम शिमला मिर्च और प्याज भी डालेंगे तो हम उसके हिसाब से भी इसमें नमक डालते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर जी, गरम मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कितनी देर रखना होगा मैरिनेट के लिए? कम से कम इसको आप 1 घंटा जरूर रखें, आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट कम से कम 1 घंटा जरूर रखें, तब भी अच्छे तरह से पूरा ये मसाला इसमें सोक हो जाएगा। ये हमने सब अच्छे तरह से इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसको रख कवर करके छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, इसको छोड़ देंगे जी। ये हमारा सारा मैरिनेट हो चुका है जी। ओके, अब हम इसको पकाएंगे जी। तो पकाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लगभग ये
तीन स्पून बड़े चम्मच के हिसाब से जी, बड़े चम्मच से तीन चम्मच के हिसाब से आप इसको देंगे। और ये जब गर्म हो जाएगा अच्छे तरह से, इसमें अब ऊपर से कुछ भी नहीं डालेगा, डायरेक्ट हम जो हमने मैरिनेट करके रखा है सोया को जी, जी। वो डायरेक्ट इसमें डालेंगे। अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे इसको। ऑयल हमारा लगभग अब गर्म हो चुका है जी। कितनी देर भूनना होता होगा इसको? मुश्किल से आपको 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ये फ्लेम तेज रहेगी? हाँ, इसका फ्लेम थोड़ा तेज रहेगा। इसको कवर करके छोड़ देंगे, हाई फ्लेम पर ही इसको कवर। हाँ, हाई फ्लेम पे रह सकते हैं थोड़ी देर। अपने बारे में कुछ और बताइए, या कुकिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं? कुकिंग के अलावा मेरा एक छोटा सा प्ले स्कूल है, चुनमुन प्ले स्कूल, जो अभी लॉकडाउन के कारण बिल्कुल बंद है। अब लग रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो शायद स्टार्ट हो जाए फिर से, तो ये रहता है हमारा। और थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई इन सब का भी मेरा शौक़ है काफ़ी। म्यूजिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, कई तरह के स्ट्रेस चलते रहते हैं। अच्छा, तो जब म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप कुछ गाती भी होंगी? कोई अगर कोई भाई, सावन तो खत्म हो गया जी, सावन तो खत्म हो गया, भादो आ गया है। हा? तो भादो पे आइए, कृष्ण जी का हम दो लाइन सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माखन चुराए माटुकिया दिले फोर, रोबे राधा रानी मुरारी बड़ा चोर। माखन चुराए माटुकिया दिले फोर, रोबे राधा रानी मुरारी बड़ा चोर। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। हम ये देखते हैं कि हमारा कितना पका। ये रोस्ट टाइप से हो जाएगा फुल्ली, और उसको भी ढकती हूँ जी जी। जब तक हमारा ये पक रहा है जी, तब तक आइए हम आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है जी, और सेम पोर्शन में मैदा एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैदा। आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं जी, बट मैं थोड़ा मिक्स करके लेती हूँ। ये एक चुटकी मीठा सोडा है, हल्का नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि हम लोगों ने उसमें भी डाला हुआ है तो इसलिए बहुत हल्का नमक डालेंगे। एक चम्मच ऑयल डालेंगे नॉर्मल पानी से इसको। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल पानी से, जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल ये वैसे गूंथ जाएगा। इसने तेल देखिए छोड़ दिया है। हाँ, तेल छोड़ दिया है बिल्कुल, अभी भून गया है। इसका कलर भी आप देखेंगे चेंज हो चुका है काफी अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 मिनट और ये पकाएंगे हम इसको जी। इसमें जो ये हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखा था इसको डाल देंगे, कि हमने इसे प्याज और शिमला मिर्च इसको बाद में डालना, तो इसी हिसाब से हमने नमक भी आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसको। सो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट में ही हो जाएगा। थोड़ी देर इसको ढक देंगे बिल्कुल 2 मिनट से, और जब तक ये तैयार होता है तब तक आपको एक इसमें जो मेन इन्ग्रीडियंट्स इसमें पड़ेंगे जी, इसमें हम इसमें स्मोक का फ्लेवर देंगे जी। जो स्मोकी फ्लेवर इसमें आएगा वही इसका मज़ा है। देखिए तो ये कोयला है जी, देखिए हाँ, इसको हम अभी आग के नीचे रखते हैं। ये बिल्कुल रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तब हम इसका फ्लेवर उसमें इसमें ऐड करेंगे। इसको तो इससे थोड़ा सा वो जो स्मोक का जो फ्लेवर आता है, स्मोक का जो फ्लेवर आता है उसका जैसा खाने का टेस्ट आपको पता चलेगा, जो हम लोग को रेस्टोरेंट में जो टेस्ट मिलता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है।
ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है स्मोकी फ्लेवर। अगर आप बताइए नहीं कि ये मार्केट से नहीं मंगाया गया तो मुझे तो नहीं लगता बच्चे नहीं जल्दी पहचानते, फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना था। ये आइडिया कैसे आया श्वेता? बस ऐसे ही देखते, कुछ ना कुछ शौक रहता है बनाने का हमेशा, तो अपना तो रहता ही है, थोड़ा बहुत देखते रहते इधर वगैरह यूट्यूब वगैरह से, तो कुछ आइडिया वहाँ से भी लग जाता है और कुछ सासू माँ से भी, वो भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, खाना हो चीज़ें मिठाई वगैरह भी बहुत अच्छा बनाती है, मैंने बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी है। इसमें प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हल्का हल्का थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही चाहिए होता है, क्योंकि इसका जो क्रंची क्रंची फ्लेवर मतलब काटेंगे आप दांत से तो आता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरा लगभग रेडी हो चुका है, गैस चूल्हा बंद कर देंगे। ये बन के रेडी हो गया है जी, बिल्कुल ये रेडी हो गया है। अब इसमें बीच में हम थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे क्योंकि हमें जो स्मोक फ्लेवर देना है जी, तो ये सेंटर में इसको रखना होगा हमें। ये कोयला भी देखिए लगभग तैयार हो गया है, थोड़ा और होगा अभी। अच्छा ऐसे हो गया जी, ये एक बाउल रख करके इस पे हम रखेंगे जी। देखिए रेड हो चुका है, रेड हो चुका हमारा, इसको हम इसमें डालेंगे। ये शुद्ध घी इसमें थोड़ा सा डालेंगे, फ्लेवर उठना शुरू हो गया, इसको जल्दी से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा स्मोक हो रहा है अंदर, अगर दिख रहा हो तो। और ये कुछ देर इसको ऐसे ढक के छोड़ देंगे, तभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर इसको खोलेंगे जी, इससे वो पूरा फ्लेवर जो है वो पूरे उसमें फ्लेवर आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। इसमें कितना टाइम लगभग लग जाएगा फ्लेवर के लिए जी? नहीं बस 2 मिनट, जब तक ये नॉर्मल हो जाए लगेगा आपको, हो गया बन हो गया आपको, तैयार हो जाएगा। अब ये जो हमने आटा गूंथ के रखा था देखिए सॉफ्ट और ये बढ़िया हो चुका है, ये स्मूथी हो गया देखिए जी। छोटी छोटी लोई बना लेंगे, अभी हमने रोटी बेल करके तैयार की श्वेता जी, बिल्कुल पतला भी नहीं बनेगा ये, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा हल्का मोटा रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी इसको हम लोग हल्का सा वो ऑयल लगाएंगे इस पे, थोड़ा सा पराठा जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे इसको। पराठा मोटा रहता है रोटी तो वो थोड़ा टेस्टी लगता है, कुछ पतले नहीं बनाएंगे इसको हम। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम इसमें ऑयल डालते हैं। अभी हम पराठा हमारा बन चुका है, ये जो हमने इधर से रखा हुआ था ये मैरिनेट करके देखिए, मैरिनेट करके रखा था, स्मोक फ्लेवर बिल्कुल शांत हो गया आपका, देखेंगे अब स्मोकी नहीं दिख रहा, वो बैठ गया बिल्कुल। रोल कर लेंगे जी, टमाटो सॉस से या हरी चटनी से भी खा सकते हैं।
सोया मस्का रोल विद स्मोकी फ्लेवर रेडी है, आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ज़रूर टेस्ट करूँगी श्वेता जी इसको, और मैं देखती हूँ कि ये टोमेटो सॉस के साथ। बहुत अच्छा बना है, और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर जो है वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा खिल करके आ रहा है, लग रहा है जैसे कहीं रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवाया गया है। और साथ ही प्याज का और ये शिमला मिर्च का जो क्रंच है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो श्वेता जी, आपने ये जो डिश बना करके बताई, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतनी अच्छी डिश हमें खिलाई और हमारे दर्शकों को बताई। और दर्शकों, मेरे कहने पर एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी को पसंद आएगी, बच्चों को तो ख़ास तौर से पसंद आएगी। दर्शकों, आज हम आए थे श्वेता जी के घर, जिनसे हमने जाना कि सोया मस्का रोल विथ स्मोकी फ्लेवर किस तरह से बनाया जाता है, और ये बहुत ही टेस्टी है। मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मेहमान के साथ, नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।